हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज के व्लॉग का टॉपिक है कि आपकी जो पीपीआर आ चुकी है उसके बाद में कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, जिनमें कि इसमें इंक्लूडेड है कि टू वे कॉरियर सर्विसेज, उसके बाद कौन सा आपने एनवलप चूज करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने ऐड करने हैं, ब्लू डॉट वाले से आपने कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, और क्या क्या वो आके आपका चेक करेगा, और जिसके बाद कि वो आपका पासपोर्ट लेके जाएगा। एंड ऐसे ही प्रीमियम और नॉर्मल सर्विस के बारे में कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। मोर और द लेस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी प्रोसीजर करना है वो कैसे करना है, तो इसलिए पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। इसमें मैंने बीच में ऐसी मिस्टेक्स भी बताई हैं जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिनकी भी PPR आ चुकी है। अब प्रोसीजर ये है कि आपने VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके टू वे कोरियर सर्विस को अडॉप्ट करना है। अब टू वे कोरियर सर्विस होती क्या है, ये ऐसे होती है कि जब आप अपना पासपोर्ट यहाँ से भेजते हैं तो ब्लू डार्ट का एक बंदा आपके घर में आएगा, आपका पासपोर्ट लेगा और फिर वो VFS ग्लोबल में सेंड करेगा, उसके बाद वो जाएगा IRCC के पास। तो ये हो गया वन कोरियर सर्विस। उसके बाद में जो IRCC है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा के उसके बाद आपके पासपोर्ट को फिर से VFS के पास भेजेंगी और फिर वो आपके पास आएगा। तो ये होगी टू वे कोरियर सर्विस। तो बेसिकली टू वे कोरियर सर्विस का मतलब ये है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले होती है जो आपकी PPR लेटर आई होती है उसकी एक फोटोकॉपी आपने अपने पास रखनी है। सेकंड जो चीज़ है वो होता है कंसेंट फॉर्म, जो कि वो सेम कंसेंट फॉर्म होता है जो आपने अपने बायोमेट्रिक्स के टाइम पे भरा होता है। तीसरी चीज़ जो आती है वो ये होती है कि आपने एक वेब फॉर्म, जो एक PDF होता है, वो आपकी PPR जब आई होती है उसके साथ ही एक लिंक होता है, वहाँ से आपने एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है और वो वाला फॉर्म भरना होता है। ये दोनों फॉर्म जो होते हैं, कंसेंट फॉर्म तो आपको पता ही है कैसे भरना है क्योंकि आपने एक बार ये पहले भरा हुआ है। दूसरी चीज़ वो होती है जो फॉर्म भरना होता है वो काफ़ी ईजी होता है, उसमें आपका एड्रेस और वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह ही मैंशन होता है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता। तो ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें होगी। उसके बाद जो होता है कि आपका एक ओरिजिनल पासपोर्ट, इसको एक A4 साइज़ वाले एनवलप में पैक करके रख लेना और इसको सील मत करना। और ये बात ध्यान रखना कि आप A4 साइज़ वाला ही एनवलप लो, ताकि नॉर्मल कोरियर वाला जो एनवलप होगा वो, और इसको सील मत करना क्योंकि जो ब्लू डॉट वाला बंदा आता है उसके पास सारा कुछ होता है, टेप भी होता है, लिफाफा भी होता है, जिससे वो पॉलीथीन से आपके एनवलप को कवर करके अच्छे से उसके ऊपर टेप लगा के ब्लू डॉट की कवर करके अच्छे से लेके जाता है, इसलिए आपको टेंशन लेने वाली कोई बात। तो गाइज, अब डॉक्यूमेंट्स के बाद जब वो बंदा, ब्लू डॉट वाला बंदा, आपसे आपका पासपोर्ट लेके चला जाएगा, तो 24 आवर्स के अंदर आपको AWB का एक कोड मिलेगा जो कि आपकी ट्रैकिंग आईडी होगी, जिससे कि आप अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि अभी आपका पासपोर्ट कौन सी जगह पे है। ये मेनली आपको 4-5 चीज़ें बताएगा। फर्स्ट चीज़ ये बताएगा कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है, VFS ग्लोबल में होगा या IRCC के हेडक्वार्टर में होगा, और फिर IRCC के हेडक्वार्टर से आपके VFS ग्लोबल में जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली जाएगा, हैदराबाद जाएगा, कर्नाटका जाएगा, या कहीं पे भी जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे बताते रहेंगे कि इस IRCC के ऑफिस से VFS के इस ऑफिस में आपका जो वो अभी आ चुका है। तो इसको ईजी करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो वो बंदा आएगा कोरियर वाला, उसको बोल सकते हैं कि आपने जो है वो SMS सर्विस को अडॉप्ट करना है, वो 120 रुपीज़ में हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन पे जब भी आप ऐसे करोगे, जब भी वो शिफ्ट होंगे, आपका पासवर्ड शिफ्ट होगा, तो आपको क्या है, मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे और आपको इजीली पता चलता जाएगा। अगर आप मेल रेगुलरली चेक नहीं करते तो आप ये कर सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है अप टू डेट रहने के लिए। गाइस, अभी बात करते हैं नॉर्मल और प्रीमियम सर्विस के बारे में, जो कि मैंने आपकी बायोमेट्रिक वाली वीडियो में मैंने उसको अच्छे से बता दिया हुआ है। यहाँ पे मैं जो मेन चीज़ है आपको अभी यूज़ होगी उसके बारे में बताऊँगा, वो ये होगी कि अगर आपने नॉर्मल सर्विस ली है तो उसमें आपको ज़्यादा दिन लगेंगे आपके पासपोर्ट को स्टैंप होकर आने में। अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली है तो उसमें आपके पासपोर्ट को स्टैंप होकर आने में 7 डेज तक लगेंगे। अगर आपने नॉर्मल लिया है तो 15-20 डेज भी लग सकते हैं। लेकिन अभी जो IRCC का प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है, इसके लिए वो अभी जल्दी जल्दी से आ जाते हैं। एक और बात, अगर आपने प्रीमियम सर्विस लिया तो आपको अपनी जो प्रीमियम सर्विस की स्लिप है उसको भी अपडेट करना होगा जब भी आप वेब फॉर्म रेज करेंगे। इससे क्या होगा कि फिर आपकी जो सर्विस है वो प्रीमियम में जाएगी। अगर आपने वो वेब फॉर्म रेज करके अपनी सर्विस स्लिप को अपलोड नहीं किया तो फिर आप भी नॉर्मल सर्विस के साथ ही जाएंगे। तो गाइस, अब लास्ट में वो वाली चीज़ें जिनको कि जो कि चेंजेस आए हुए हैं और जो जो चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि अपने एनवलप को जो है वो आपने सील नहीं करना।
दूसरी वाली जो चीज़ है वो ये है कि जब आप वेब फॉर्म रेज करते हैं तो उसी के साथ ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जो कि पहले नहीं आता था। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पेमेंट करने का ऑप्शन बाद में आता है, लेकिन अब जब भी आप वेब फॉर्म रेज करेंगे उसी के साथ ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे एक और बात, हमने जो अपने पासपोर्ट को करवाया था वो हमने अपने एजेंट से करवाया था। ये जो सारी मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने बाकी लोगों की वीडियोज़ को देख के बनाई है, और थोड़ी सी VFS की वेबसाइट पे जाके रिसर्च की है, ब्लू डॉट वालों की वेबसाइट पे को देखा है, और IRCC की तरफ से जो जो भी अपडेट्स हैं उन सबको देख के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो नीचे कमेंट डाउन करें, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लाइक करना आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट जरूर करके जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।